Disclaimer: We strongly support Article 19 of Indian Constitution about freedom of speech and expression. We respect all religions. Our intention is not to hurt anyone's religious or social sentiments. This video, including examples, images, and references, are provided for entertainment and educational purposes only. And channel does not promote or encourage any illegal activities. Our aim is only to awaken the society. अगर कोई इंडिया पे हमला करने की बात करे, what do you think about that guy? I will fight him back. Even if it is your prophet. हाँ, मुझे यकीन है कि वो नहीं होगा. अगर होगा, बता दिया जाए तो आप उसको बुरा कहोगे? No, it's an hypothetical question. Let us prove that. Okay. जी समीर भाई, बताइए अपनी बात. पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप जो भी कर रहे हो, जो भी डिबेट कर रहे हो, इट्स योर राइट, आपको क्रिटिसाइज करने का हक है. बट जो एडम जो है वो तो वो खुद तो क्रिस्टियन है, बट तो उसको हक ये बात करना नहीं बता रहा हूँ ना, पूछ रहा हूँ, हक नहीं है. क्यों हक नहीं है बता रहा हूँ. नहीं मुझे, अच्छा, लेकिन पहले कंफर्म हो जाए कि मुझे हक नहीं है बोलने का इस्लाम हक नहीं है. नहीं, यू हक है आपको इस्लाम पे क्रिटिसाइज करने का. बट अब यहाँ आकर टेम्पल्स पे बात कर हिंदुओं को, या जो मैक्सिमम जो लोग देखे, हम हिंदू भाई हैं इंडियन से, आप भाई हैं, आप खुद, हाँ मेरा भाई, कंफर्म हो जाए. हाँ, आप मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो. मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा, मैं कंफर्म करते जा रहा हूँ. हिंदू भाई है ना? हाँ भाई है. ओके ठीक है, एक आपका पॉइंट आ गया हिंदू भाई, और दूसरा आपका पॉइंट आ गया कि आप, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर सकता. नहीं, मैंने क्लियर कर दिया, आप क्रिटिसाइज कर सकते हो, बट यहाँ आकर टेम्पल्स के बारे में बात कर अब एक साहिल भाई जो उनको तो रिलीजन उन्होंने एक्सेप्ट कुछ भी नहीं किया, रिलीजन को नहीं बिलीव करते. आप तो क्रिश्चियनिटी बिलीव करते हो, आप ये बिलीव करते हो कि हिंदू मुस्लिम जो भी एक्सेप्ट क्रिश्चियन जो है वो हेल को जा रहे हैं, आप वो बिलीव करते हो? नहीं करता. आप फिर क्या बिलीव करते हो? मैं ये नहीं बिलीव करता. आपको क्रिश्चियनिटी पढ़ी कब है आपने? पढ़ी है? क्या लिखा हुआ वहाँ पे? आज पर मुझे पता है, जो जीसस को खुदा मानता है वो जहन्नम को जाते हैं, वो मुझे पता है. मुझे करेक्ट कीजिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता ना, आपको क्या पता? नहीं, करेक्ट कीजिए, मुझे बताइए, करेक्ट कीजिए. वो उसके लिए आप पहले बाइबल पढ़ के आए, फिर मुझे बताइएगा. अभी तो आपको जो मुसलमानों के आर्टिकल्स होते हैं ना, सब नंबर एक बात, उनको पढ़ के मेरे पास आने की बजाय अगर आप कभी पढ़ के आएंगे ना, तो जरा बात अच्छी होगी, ठीक है? वरना तो फिर बात अच्छी नहीं हो सकती ना. ये तो मुसलमानों का बिलीव है, नंबर वन. नंबर टू, आप मुझे बताएं क्रिटिसाइज क्यों नहीं कर सकते, वो बताएं. नहीं, आपके चैनल पर तो आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं, आप राइट है, पर मैं ये बता रहा हूँ अब हिंदू के बारे में बात कर उनके तरफ से. आप ये दिखाना चाह रहे हैं कि हाँ, मेन को आपको एजेंडा है कि हाँ, इस्लाम को गलत मनाना है, ठीक है, चाहे मान लीजिए. क्यों नहीं कर सकता वो तो बताएं. यहाँ पर नहीं कर सकते हो आप हिंदू भाइयों का मदद लेके उनके सामने, क्योंकि यू ओनली डोंट बिलीव कि वो बिलीवर्स है आपके हिसाब से, आपके रिलीजन के हिसाब से, जो आप मानते हो उसके हिसाब से. हिंदू भाई, मुसलमान लोग, जैन लोग, जो भी क्रिश्चियनिटी से आउट है, जो जीसस को भगवान नहीं मानते हैं, वो लोग तो हेल को जाएंगे. किसने कहा है? कहाँ लिखा है? जीसस फिर को आएंगे सेकंड टाइम, एंड दे विल किल ऑल द नॉन बिलीवर्स. मुझे, अरे करेक्ट करो भाई, मुझे पता है कि ये है. इसीलिए अभी साहिल ने पहले आपको बोला था, साहिल ने आपको पहले बोला था कि जब सवाल करोगे ना तो तब रुक जाना. सबसे पहली बात जो आपने बोली है उसका मुझे रेफरेंस दे दें. अगर नहीं है तो फिर हम नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं. आपको रेफरेंस नहीं है, जाके पढ़ के आना, आर्टिकल्स पढ़ आना और फिर रेफरेंस लेके आना, फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि आपके स्कॉलर्स ने किस तरीके से आपको रिसीव किया. नंबर दूसरी बात, अब आपने स्कॉलर कह दिया, ठीक है, बताइए बताइए. अब आपके पास रेफरेंस नहीं है ना, तो हम उस पर बात नहीं कर सकते. जब रेफरेंस नहीं है, बात कैसे करूं? ओके, नाउ दूसरी बात, अब आपने बात कर दी कि आपके हिंदू भाई हैं, क्या आप कन्फर्म इस बात में है कि हिंदू आपके भाई हैं? हां भाई. ओके, कुरान आपका कहता है कि आप उनको भाई तो क्या अपना दोस्त भी बना सकते हैं? कहां बताया आप? क्या कहां बताया? कुरान के अंदर. आप रेफरेंस दो ना. हाँ अच्छा, रेफरेंस चाहिए, यानी आपने कुरान नहीं पढ़ा हुआ कभी भी? हाँ उतना नहीं पढ़ा, मुझे बेसिक्स पता है. मैं नॉट मैं मुझे हदीस ये इतना आपको तो नहीं पता है, मुझे नहीं, मैं कुरान की बात कर रहा हूँ, हदीसों की बात ही कर रहा हूँ. ये ले पकड़े, आपके सामने लेके आता हूँ, ये देखे. जी सर, क्या लिखा हुआ है सर? उर्दू पढ़ेंगे आप, इंग्लिश पढ़ेंगे आप? नहीं, इंग्लिश. आप पाकिस्तान से नहीं है? नहीं नहीं, इंडिया से. इंडिया से? अरे तभी हिंदू आके भाई हैं. जी सर, इंग्लिश पढ़े. लेट नॉट बिलीवर्स टेक डिसबिलीवर्स एज अलाइज रादर देन बिलीवर्स एंड हूएवर डज
that has nothing with Allah except when taking precaution against him in prudence. Hmm. And Allah wants you of himself and to Allah is the destination. ये जो taking precaution against them as a prudence है ना, ये आपका तकिया है, ठीक है? ये तकिया की आयत है, ठीक है? Now आप ही बता रहे हो, आप ही बता रहे हो। है कि अल्लाह आप ही बता रहे हो ना भाई? क्या बता रहे हो? मुझे जो समझ में आया है, don't take as disbelievers as allies, okay? अंग्रेजी की ट्रांसलेशन है ना, असल में तो वली है, दोस्त है। अब मुझे बताओ आप दोस्त क्यों नहीं बना सकते? आपके पास नीचे उर्दू में भी लिखा हुआ है दोस्त, दोस्त। एलाइज तो अंग्रेजी में रिसीव करने के लिए ट्रांसलेशन है, हिंदी में क्या लफ्ज लिखा हुआ? मुझे नहीं पता, मुझे हिंदी नहीं पढ़नी आती, कोई पढ़ सकता है हिंदी? हिंदी में दोस्त के लिए क्या लफ्ज लिखा हुआ? मोमिनों को चाहिए कि वो ईमान वालों के विरुद्ध काफिरों को अपना सहायक मित्र ना बनाए, मित्र ना बनाए, मित्र दोस्त को कहते हैं। ओके, सो इंग्लिश की ट्रांसलेशन तो बेसिकली थोड़ी सी डिसेप्टिव है, लेकिन बेसिकली उर्दू और हिंदी के अंदर बिल्कुल सही लिखा हुआ है, अच्छी सही ट्रांसलेशन की हुई है। तो सर मुझे बताइए कि आप कैसे मान सकते हैं ये वाली बात कि आप उनके दोस्त हैं? आप सॉरी भाई, भाई कैसे कह दिया आपने? भाई कैसे कह दिया? भाई हिंदू मेरे भाई जैसा है, बट वो जो बिलीव करते हैं, मैं जो बिलीव करता हूं, डिफरेंस है। दोस्त भी, कुरान तो कह रहा है दोस्त भी ना बनाओ, भाई बनाने बैठे हैं। जो वो रिलीजन के हिसाब से है, जो भी आपको रिलीजन के हिसाब से करना है वो आपको डिफरेंट है। जो भी कोई नॉन मुस्लिम है, जो रिलीजन के हिसाब से जो भी अलाइनमेंट हो रिलीजन के हिसाब से, दे आर डिफरेंट, डोंट मेक अलाइज। भाई आप उनको दोस्त कैसे बना रहे हैं? हिंदुओं को भाई कह दिया आपने? हां हां, तो क्या गलत है? अल्लाह अल्लाह मना कर रहा है, अल्लाह कुरान में मना कर रहा है। अल्लाह ये मना नहीं कर रहा है कि आप उनसे बात न करो, उनसे दोस्त न बनो, नॉर्मल बात करो। उनसे ये बता रहा है कि अकॉर्डिंग टू रिलीजन, आप रिलीजन के हिसाब से यू डिफर विद देम, यू कीप योर डिस्टेंस अकॉर्डिंग टू रिलीजन। मुझे ये समझ में आया, ये तफसीर किसने दी आपको? मुझे जब पढ़ा मुझे वो समझ में आया। आई डोंट नो व्हाट द तफसीर, आपको एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड इसके बारे में आपको जो भी डिबेट करते हो वो बता सकते हैं। एक सेकंड एक सेकंड, आपको कैसे समझ आया? लिखा कुछ हुआ समझ, आपको कुछ और आ गया? मुझे मुझे क्लियर में जो मैं वर्स पढ़ा हूँ मुझे ये समझ में आया कि लिखा कुछ और हुआ समझ, आपको कुछ और आया? नहीं नहीं, कैसे हो गया? वेट 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 वेट, ये अपनी मर्जी से समझदानी कैसे लिया आपने? जलेबी बनाए जरा सही तरीके की बनाए ना, दो नंबर मर्जी से नहीं भाई। जब आप वर्स बताए हो मुझे ये समझ में आया। वर्स क्या लिखा हुआ है? अब ऊपर इंग्लिश में बताओ ना। नहीं ये हिंदी नहीं पढ़नी आती मुझे, हिंदी नहीं पढ़नी आती इंग्लिश। अच्छा हिंदी भी नहीं पढ़नी आती? हिंदी थोड़ा थोड़ा, हाँ हाँ हिंदी पढ़ने आती है, पर हिंदी नहीं है स्क्रीन पर। ये हिंदी आ गई, क्या ना बनाया? मित्र, मित्र किसे कहते हैं? दोस्त को कहते हैं। अमित भाई सुपर चैट हटा दें। तो आप दोस्त तक बना नहीं सकते, भाई कैसे कह रहे हैं? अरे भाई मैं वही बता रहा हूँ, अगर वो अलायंस 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 जो है रिलीजन के हिसाब से जो भी हो, अगर वो रिलीजन्स पे बेसिस है, मैं ये भी बता, इन रिलीजन्स के बेस पे जब आएगा यू डिफर विद देम, डोंट मेक अलायंस विद देम, बट नॉर्मल व्हेन यू आर लिविंग भाई एक मिनट एक मिनट, व्हेन यू आर लिविंग, नो नो नो, व्हेन यू आर लिविंग विद योर नाइबर्स, व्हेन यू आर लिविंग इन अ कंट्री व्हिच इज योर कंट्री, ये नहीं बताया गया है कि उनसे बात ही नहीं करना, उनसे आप बिजनेस नहीं करना, उनका मदद नहीं करना, ये कहा कोई भी हमें सिखाया? ये मेरा बच्चा, ये देख वो मदद भी दिखा देता हूं। कुरान चैप्टर नंबर सर, वो कुरान चैप्टर नंबर 9, कुरान चैप्टर नंबर 9 की आयत नंबर 28 के अंदर है, वो मैं बाद में दिखाता हूं। ए अहले ईमान, जो ईमान लाए हो, ला तत्तखुज़ु, ना पकड़ो, अल काफिरीन, कुफर की जमा, औलिया एज दोस्त, मिन दूनी सवाए मोमिनीन के, मुसलमानों के। क्या तुम चाहते हो कि तुम करो अल्लाह और अपने अल्लाह का अपने ऊपर जुल्म? ठीक है, अच्छा इसकी आयत का तफसीर में सबसे पहला लफ्ज क्या है? काफिरों से दोस्ती आग से दोस्ती के मुतरादिफ है। काफिरों से दोस्ती कैसे है सर? मुझे मुझे इंग्लिश में बताओ भाई, मुझे समझ नहीं आ रहा। काफिरों से दोस्ती, अंग्रेजी में समझाओ, उर्दू हिंदी तुम्हें आती नहीं है क्या? काफिरों से दोस्ती कैसे है? आप एक लाइन बता रहे हो, उसका कॉन्टेक्स्ट नहीं बता रहा हूँ ना। ये लाइन आप जो पढ़ रहे हो, अगर वो लाइन आप पढ़ रहे हो, अगर वो पढ़ोगे तो हाँ, काफिर उनसे दोस्ती नहीं करना, बट यू शो मी द कॉन्टेक्स्ट, यू शो मी द हिस्ट्री, यू शो मी द हिस्ट्री बता रहा हूँ भाई, जेनेरिक आयत है। वेट 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 वेट, किधर से तुमने लिख लिया कि नहीं है? अगर अगर फॉर एग्जांपल, अगर फॉर एग्जांपल मुसलमान लोग काफिर उनसे दोस्ती नहीं कर सकते, उनसे नहीं जी सकते, अगर कहां भी देखे मार देना, तो अब तक जो भी मुसलमानों ने ऑक्यूपाई किया है, जो आप बता रहे हो,
तो वहाँ तो एक हिंदू भी नहीं जीना चाहिए, वहाँ एक क्रिश्चियन भी नहीं होना चाहिए, जू भी होना नहीं चाहिए ना, क्योंकि अभी आप ताकत में नहीं आए। नहीं नहीं जहाँ ताकत में थे, जहाँ ताकत में थे वहाँ तो आपके हिसाब से, आपके हिसाब से जो आपका इंटरप्रिटेशन है, आपके हिसाब से तो वहाँ एक भी हिंदू नहीं जीना चाहिए, वहाँ एक भी हिंदू और जीव जो ऑक्यूपाई किया है, जो उनका किंगडम वहाँ था, वहाँ तो नहीं होना चाहिए ना। रब्बा, कितने भोलेनाथ बन के आते हैं आप हमारे पास। जिजिया किससे लोगे जनाब, फिर अगर एक भी नहीं छोड़ोगे तो मुझे जिजिया के बारे में थोड़ा बहुत पता है, मैं उनसे इसके हिसाब से बात करता हूँ। जिजिया इज अ टैक्स ऑन नॉन बिलीवर्स, सिंपल, उसमें कोई खराब बात नहीं है यार। एक इंटरप्रिटेशन जिजिया के बारे में हम बाद में जाएंगे। देखो जब आपके नबी ने कहा कि यहाँ से हर किस्म के मुसलमान को निकाल दो मक्का मदीना से, तो लोगों ने क्या कहा था नबी को? क्या क्या मुझे समझ में आया? नबी ने जब कहा था मक्का मदीना से हर मुशरिक को निकाल दो और जहां मिले इसे कत्ल कर दो, तो मुसलमानों ने नबी को क्या कहा था? कत्ल कर दो मक्का से? मैंने तो कभी नहीं सुना, बताओ मुझे। यार क्या बच्चों वाली बात करते हो यार, कुरान पढ़ लिया करो कभी। मैं बता रहा हूँ ना भाई, मैं उतना कुत्ता नहीं पढ़ा हूँ। अंग्रेजी पढ़ो, अंग्रेजी पढ़ो यार, पढ़ो कुरान। And when the inviolable months have passed, then kill the polytheists wherever you find them and capture them and besiege them and sit in wait for them at every place of ambush. But if they should repent, establish prayer and give zakat. Let them go under. Yeah. ये मैंने कुछ debates में सुना है. It is based on the context of war. नहीं, वॉर की कॉन्टेक्स्ट नहीं है ये, कॉन्टेक्स्ट है कि मक्का मदीना में है। मैंने थोड़े डिबेट्स में मैंने इसको यार भाई चुप कर बे, चुप कर। मक्का मदीना से निकालने की बात हो रही है, किधर से निकल रहे हैं? जब मोहतरम तो कत्ल कर दो इन मुश्रिकों को जहां पाओ, जब मक्का में अटैक किया है, ये उस टाइम की बात हो रही है। मैंने बता रहा हूँ कि कई लोग, कितने ही स्कॉलर्स लोग इसको एक्सप्लेन कर चुके हैं। आई कैन नॉट एक्सप्लेन टू यू कितने की। बताओ यहाँ पे आपको आपका यूट्यूब चैनल है, आपको क्या किसके जनक किस जगह से निकाल रहे हैं? वेट निकालने की बात कहाँ है, किस जगह से निकाल रहे हैं, किस जगह से निकाल? दे आर इन वॉर, आई नो दैट दे आर इन वॉर, दिस इज द वर्स व्हिच केम इन द टाइम ऑफ वॉर। किधर, कौन सी वॉर? सो मेनी वॉर्स हैपेंड। कौन सी वॉर? मुझे उतना पता नहीं है, बताया ना भाई, उतना पता नहीं है। फिर मैं दिखाऊं तो मैं तफसीर दूंगा। ठीक है ठीक है ठीक है, डन ठीक, मैं पता करके बता सकता हूँ। ओके डन। अच्छा मुझे ये नहीं पता, मैं बता दूं। और इनको जहाँ भी घात लगा के बैठ जाओ, जहाँ मिले मार डालो। ठीक है ओके ओके, मुझे मैं नहीं, आप जहाँ मिले मार डालो। जब वार हो रही है तो वहाँ पे आप घात लगा के नहीं बैठते? क्या वहाँ पे आप घात लगा के नहीं बैठते जब वार होती है? वार होती है तो आमने सामने मैदान में होती है। हाँ ओके, ये कहाँ से वार होती है? घात लगा के नहीं बैठते, फूट डॉल यू मैन। जब वार होती है आमने सामने हो रही होती है, यहाँ पे क्या हो रहा है आपको किसने बताया? घात ले, देर आर सम सिचुएशंस, देर आपको ये लगाना पड़ेगा। ओके चलो, ऑल एंड पार्ट ऑफ पार्ट। अब इसको ठीक है, आगे चलते हैं। इसी आयत में आगे चलते हैं, ठीक है। अब अल्लाह क्या फरमा रहा है कि क्या करो तुम भाई? पहले तो चीज नहीं So let them not approach Al-Masjid Al-Haram after this, their year. And if you fear privation, Allah will enrich you from His bounty if He wills. Indeed, Allah is knowing and wise. अब अल्लाह कह रहा है कि तुम इस इलाके से हर मुशरिक को निकाल दो, और तुम्हें डर है कि तुम उनसे तिजारत करते थे, वो तिजारत नहीं होगी, तो अल्लाह उसको, अब अल्लाह कह रहा है नहीं, अल्लाह अपनी बाउंटी से इनरिच कर देगा तुम्हें। आपको समझ में आ रहा है या निकालने की बात नहीं होगी? है मुझे बताओ, इंग्लिश बताओ एक मिनट। निकालने की बात नहीं हो रही है। ओ यू हैव बिलीव्ड इन द पॉलिटिक्स आर अनक्लीन। पॉलिटिक्स क्या है? नजिस है, अनक्लीन है, फिल्थी है, अनक्लीन। अकॉर्डिंग मस्जिद में उनको अलाउ नहीं करते, और हिंदू टेम्पल्स में मुसलमानों को अलाउ नहीं करते। मक्का में मस्जिदों में, अल मस्जिद अल हराम में
हाँ मक्का में, मक्का में ओके मक्का से निकाल देंगे तो मक्का, वेट वेट मुझे ये बताइए, सो लेट देम नॉट अप्रोच अल मस्जिद अल हराम, नॉट अप्रोच बोलते उसके नजदीक मत जाने दो, व्हाट किसके नजदीक मत आने जाने, किसके नजदीक अल मस्जिद अल हराम, मक्का कहाँ है भाई, अल मस्जिद अल हराम ये क्या मस्जिद का नाम है, ये मस्जिद है ना भाई, इतना भी आपको नहीं पता है मस्जिद अल हराम मक्का को ही कहते हैं। हाँ भाई हाँ मुझे पता है, मुझे पता है, बट उनको नहीं नहीं अच्छा अब यहाँ से निकाल दिया इनको, ठीक है भाई, अब लोग डर किस बात पर हैं भाई, एक सेकंड मैं आपको कुछ भी नहीं बताया, मैं नॉर्मल नॉर्मली आपसे बात कर रहा हूँ, डर किस बात पर, यू यूज आपके चैट में, नहीं नहीं भाई आपके रूल्स बताते हैं कि डोंट यूज वल्गर लैंग्वेज, आप मेरे पर यूज, नहीं नहीं आप वल्गर लैंग्वेज यूज कर रहे हो, आपको नहीं अगर बात कर रहा, अरंडी रोना लोग रो किस बात पर, अल्लाह ने किस चीज का उन्हें एतमाद दिलाया कि वो क्या करेगा, क्या है किस चीज का एतमाद दिलाया कि किस चीज से न डलो, सो फर्स्ट ये वर्स पे आते हैं, सो लेट देम नॉट अप्रोच अल मस्जिद अल हराम, हराम मस्जिद के बारे में नजदीक मत आने दो, ये बताया मक्का में नहीं, जो मक्का में लोग है वो इसके मस्जिद के पास ना आने दो, नेक्स्ट मैं साले से बात नहीं करूंगा हरामी से, जब मस्जिद हराम हर मस्जिद हो गई है ना, तो ये भेड़ियों जो इस किस्म के लंगर झूठे मक्कार हराम की औलादे जो है ना हमारे चैनल पे आके बकवास नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि क्योंकि अगर मैं इसको ये समझाऊंगा कि मस्जिद हराम और बाकी मस्जिदों में फर्क है तो फिर मैं यहाँ पे क्लास खोल रहा हूँ, ये मुझसे डिबेट नहीं कर सकता, इसको चुप करके सिर्फ मेरी क्लास लेनी है और बाद में अपने स्कॉलर से सुनना है, अगर ये डिबेट करने आया तो इसको बेसिक चीजों का पता होना चाहिए, विदाउट नोइंग द बेसिक चीजें ये डिबेट नहीं कर सकता, ही कैन आस्क एंड से एरम भाई मुझे नॉलेज दें, मुझे इंफॉर्मेशन दें, और अपनी जुबान जिप करके रखे और सिर्फ सुने और समझे और फिर अपने स्कॉलर से इंफॉर्मेशन लेके आए, क्योंकि अगर मस्जिद हराम हर किस्म की मस्जिद है तो फिर जो है मुझे नहीं पता, शट अप, मैं बता रहा हूं, तुम्हें पता है तुम झूठ बोल रहे हो, यू आर अ लायर, यू आर अ लायर, तुम झूठ बोल रहे हो, अगर तुम झूठे ना हो तो तुम चुप करके सुनो, तुम इस तरह से आगे डिबेट नहीं करो, देयर इज टू डिफरेंट थिंग्स, अगर किसी शख्स को पता नहीं होता तो वो आगे से ये नहीं कहता नहीं ये है ये है, नहीं तुम मकर से काम ले रहे हो, वह मकर वह मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन, अल्लाह सबसे बड़ा मकार है और तुम मकर से काम ले रहे हो, क्योंकि तुम लोग हमें झूठ बोल सकते हो, इसके ऊपर लास्ट सैटरडे मैंने कंप्लीट स्ट्रीम की थी, साहिल भाई माइक आपका, इनसे आप बात करेंगे, सर मैं नहीं करूंगा, मेरे पास इतना स्टैमिना नहीं है कि मैं एक मकार शख्स से बात कर सकूं इस तरीके से, ठीक है जी समीर साहब। हाँ भाई पहले तो सी अपने आपके हिसाब से जो चैनल में आएगा वो अच्छा लैंग्वेज यूज करेगा, उसे कुछ भी नहीं करना है, अगर करेगा तो आपको हक है गाली देने का, ठीक है, मैंने आया मैं डिस्कस कर रहा हूँ, उन्होंने ये फॉल लैंग्वेज यूज करा, क्या ये सही है, क्या क्या अच्छा, मैं ये बताऊं, नहीं नहीं भाई पहले बात, अगर मैं गलत भी कह रहा हूँ, अगर मुझे मैंने पहले बताया कि मुझे उतना जानकारी नहीं है, मैं आने से उनको एक पहले क्वेश्चन पूछा कि आप ही यकीन नहीं करते हो, हाउ कैन यू कम एंड यूज द हिंदू ऑडियंस एंड सेम थिंग, ठीक है मैंने ये क्वेश्चन किया, मैंने कुछ गालियां नहीं दी, समीर भाई इज दैट राइट अकॉर्डिंग टू यू, आर यू गेटिंग माय वॉइस, हां मैं आ रहा हूं, माय वॉइस ऑन रियल टाइम, या 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 आई एम गेटिंग दैट, स्टॉप, हां बताइए, मैंने पहले का क्वेश्चन पूछा यार, सॉरी नाउ कंटिन्यू, बोलते मत जाओ, थोड़ा रुको भी प्लीज, बीच में प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट, ओके Let's come to the topic. ये बताओ, are you an Indian? हाँ भाई, Indian हूँ. Do you love India? Yeah. Are you sure? Yeah, I'm sure. Okay. अगर कोई इंडिया पे हमला करने की बात करे, what do you think about that guy? I will fight him back. Are you sure? Yeah, I'm sure. Even if it is your prophet? My prophet is not there. I am telling, even if he is your prophet, will you still fight if he says that you need to, you know, conquer or aapko jaake hamla karna hai Hindustan pe? Haan, mujhe yakin hai ki wo nahi hoga. Agar hoga, bata diya jaye, to aap usko bura kahoge? No, it's an hypothetical question. This can't happen. Aap wo nahi bol sakte. Let us prove that. ओके ओके ये देखिए ऊपर लेके जाओ थोड़ा इसको, हाँ यही वाला, एक मिनट इसको रहने दो,
इसका सिर्फ हवाला देखने दो, थोड़ा सा ऊपर लो। अच्छा, ये नरेटेड बाय नसाई, ये नसाई की हदीस है, ठीक है, और इमाम अहमद ने इसको मुस्तन में भी बयान किया है, ठीक है, और इसको जो शेख अल अल्बानी है उन्होंने इसको हसन भी कहा है, ठीक है, इट्स एन ऑथेंटिक हदीस। इसमें क्या कहते हैं आप पढ़िए, द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सेड, पढ़िए इसको, इंग्लिश आती है ना आपको? ओके ठीक है, मैं ये मैं विद रिस्पेक्ट मैं बताना चाहता हूँ, I have no not that much of idea about Quran and Hadith. Okay, basic. मैं बता रहा हूँ, मैं clear कर रहा हूँ, basic knowledge. मैं जो पढ़ रहा हूँ, मैं इसके हिसाब से पढ़ता हूँ. जो है मैं पढ़ूंगा, अभी पढ़ूंगा. But आप उसका explanation मुझे पूछोगे, कहाँ से आया, कौन बोला है? I am not the right person. नहीं नहीं, आपको हम authentic reference दे रहे हैं. आप सिर्फ इसको पढ़ो and what does it mean? Please tell us. Okay, चल दें. Okay. The Messenger of Allah, lessons and pixel. There are two groups of Ummah whom Allah will protect from the fire. A group who will conquer India and a group who will be with Isa ibn Maryam. Okay. Hmm. So, what was, can I Google it? Kya Google it? What do you want to Google? Number to kuch rahega na? Is this serious? Is this guy really serious, mate? Yeah, I'm really pretty serious. Nasai ki hadith number 175 aur Ahmad, Imam Ahmad ki मुस्नद जो है, मुस्नद इमाम अहमद, उसकी 37/81। और इससे पहले आप इसको जरा ये करिए, आप तो हिंदी में ट्रांसलेट करिए, व्हाट यू अंडरस्टूड। सो वेट, ओके, द प्रॉफिट हैज सेड द टू ग्रुप्स इन माय उम्मा शैल बी सक्सेसफुल, वन व्हिच फाइट्स इन इंडिया, इज इट इन इंडिया और कॉन्कर इंडिया? हाँ वही है, फाइट कॉन्कर इन्वेड इंडिया, ये देखो द ग्रुप दैट इन्वेड्स इंडिया, देयर आई व्हाट आई कैन सी इज इन इंडिया, इज देयर अ डिफरेंस? आई एम नॉट श्योर, आई एम नॉट श्योर। इन्वेड्स इंडिया, इन्वेड कभी भी बाहर से होता है सर, बट व्हाट आई कैन सी इज इन इंडिया, इज देयर, इज दैट इन इंडिया? व्हिच आई एम नॉट श्योर, इन्वेड्स इंडिया है भाई, क्या कह रहा हूं मैं, इन्वेड्स इंडिया, द ग्रुप दैट इन्वेड्स इंडिया। Wait. But मैं देख रहा हूँ इन इंडिया है ना भाई, दूसरे नहीं, आप गलत देख रहे हैं, यहाँ पे आपके सामने sunna.com से यह हदीस बताई जा रही है। ओके जी, क्या कहेंगे अभी आप? आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा था आपको देश से प्रेम है, आप देशभक्त इंसान हैं, अगर कोई भी इंडिया से लड़ाई करने की बात करेगा तो आप उसका खंडन करेंगे। हाँ, definitely. हाँ, तो अभी आपके रसूलुल्लाह ने कहा है खंडन करिए। मैं नहीं कर सकता क्योंकि I don't know about this this thing. Wait. There's a level of lies, man. मुझे बताने दो ना भाई। अरे भाई मुझे बताने दो। अरे मुझे बताने दो भाई। पहले तो मुझे बताने दो। हाँ बताओ। See, I'm listening your, I'm hearing your perspective. Okay, on this thing. I don't have any idea on this. Okay, what it explains. I will see the explanation from the Muslim scholars. What about what this is exactly about? I want to know the both perspectives. Then I can answer. Is it fair to tell them? Hypocrisy ki bhi seema hoti hai. Hypocrisy, you are... Hypocrisy, jo bata rahe ho na, one's perspective hota hai. When you will come back, please tell that. When will be your next? एक सेकंड, कौन से स्कॉलर से देखना है? ये शेख जनरल सुपरवाइजर शेख मोहम्मद साले अल मुनज्जिद आपको बता रहे हैं ये हदीसें। तुमने क्या स्कॉलर से बात करनी है? तुमने स्कॉलर दिखा रहा हूँ, बात नहीं करनी है भाई, मुझे देखना है व्हाट स्कॉलर्स का पर्सपेक्टिव दिखा रहा हूँ, चुप करें, वो क्या कह रहे हैं कह रहे हैं? पहले तो यू आर रूड, यू सेड यू विल नॉट टॉक टू मी, विद योर स्टूपिड टाइप ऑफ पीपल लाइक यू, यू आर ऑलवेज रूड, यू आर ऑलवेज रूड, यू आर ऑलवेज। समीर भाई, इट इज वेरी क्लियर। समीर भाई, नो विक्टिम कार्ड, इट्स नॉट अ विक्टिम कार्ड, यू आर प्लेइंग विक्टिम कार्ड। ये बताइए कौन से स्कॉलर के पास जाने वाले हैं, जब स्कॉलर का इधर डिस्क्रिप्शन पूरा मौजूद है, कौन से इसको छोड़ के कौन से स्कॉलर के पास जाने वाले, ये बताइए अभी। Thank you, Adam, for bringing this point. Yes. Who is the scholar? I will search for the explanation of different scholars.
which scholar इसका मतलब क्या है? See, wait, wait. I follow what till now what I follow. I used to watch. Who do you follow? Wait, wait. I follow. I do not follow particular scholar. I will. So scholars में भी LH choice हो कि किसी एक scholar की एक बात जो अच्छी लगती है वो ले लेते हो, किसी दूसरे की जो अच्छी बात लगती है वो ले लेते हो. LH choice हो scholars में. I will see different more than more scholars. Quran में भी LH choice, हदीस में भी LH choice, और scholars में भी LH choice. Right? Wait. I will see multiple scholars. Multiple scholars. I can search for in YouTube. जो भी कितने भी वीडियोस है उतने सारे देखूंगा. आई विल इफ दैट पर्संस आर ऑल सेइंग द कॉमन थिंग इफ आई गेट दैट थिंग दैट देयर आर एक्सप्लेनिंग इट इन अ प्रॉपर वे मैं आपको पेश कर दूंगा. इफ यू वांट टू एक्सेप्ट इट एक्सेप्ट इट और नो. ओके ठीक है. मुझे ये बताइए कि आपने कहा कि मैं सब स्कॉलर्स को सुनूंगा, ठीक है. सब स्कॉलर्स को सुनने के बाद अगर ये बात साबित हो जाती है कि आपके रसूलुल्लाह ने वाकई में कहा है हिंदुस्तान पे हमला करने की बात कही है, उसके बाद आपका स्टैंड क्या होगा? Then it would be wrong, definitely. Who is wrong? Wait. Then you leave this room. That thing would be wrong. Wait. Let me be clear. If that happens, it would be unjust. Okay, it's not right. But who is unjust? No. See, you are saying from your side, you are presenting your evidences which you have. बट मैंने आपकी बात भाई समीर सुनो एक तो हम आपको इतना बताने के बाद भी वी आर स्टिल गिविंग यू चांस टू गो एंड चेक एज पर योर कन्वीनियंस. वी आर स्टिल गिविंग यू. आई एम कम बैक. लिसन मैन, लिसन समीर, पहले सुनो. मैं कह रहा हूँ कि आपने सब छानबीन कर ली एंड आफ्टर दैट यू फाउंड, आपको ये साबित हो गया, बाकी लोगों ने भी कहा कि हाँ आपके रसूलुल्लाह ने हिंदुस्तान पे हमले की बात की है, देन व्हाट विल बी योर स्टैंड? प्लीज क्लियर इट. देन आई एम सेइंग इट वुड बी रॉन्ग. मैं अब भी क्वेश्चन करूंगा. अगर हु इज रॉन्ग? योर प्रॉफिट इज रॉन्ग. प्लीज क्लेरिफाई. या प्रॉफिट वुड बी रॉन्ग डेफिनेटली. थैंक यू सो मच. वेट, या वन मोर थिंग. या इफ अगर इसका एक्सप्लेनेशन है जो आप एक्सेप्ट करें या ना करें, क्या आप ये बंद कर दोगे? हाँ, बंद कर देंगे. हम ये मानेंगे कि हमारी गलती. सुन लो समीर, अगर आपने यहाँ के साबित कर दिया कि हम गलत है, वी विल एक्सेप्ट दैट. वी आर सो ओपन, वी विल एक्सेप्ट कि हाँ ये इस मामले में हमारी गलती हुई है एंड वी विल नेवर डिस्कस दैट टॉपिक. ओके, लेकिन अभी आपने ये बात मानी है इधर कि अगर ये बात सही निकली कि आपके रसूलुल्लाह ने हिंदुस्तान पे हमले की बात की है, आप लाइव स्ट्रीम में आके कहेंगे कि आपके रसूलुल्लाह ये एक अच्छे इंसान नहीं है, ये हमारे देश के खिलाफ है और मैं देश को मानूंगा, रसूलुल्लाह को नहीं मानूंगा. ओवर. ठीक है, नाउ यू कैन गो एंड डू योर रिसर्च. नो या आई विल गो बट आई हैव सम डाउट. मैं क्वेश्चंस पूछ सकता हूं ना, जैसे आदम ने बताया है कि यू कैन आस्क क्वेश्चंस एंड यू कैन लर्न. I want to learn. हो गया ना ये टॉपिक, पहले एक क्लियर कर लो ना भाई, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. जहां पे दूसरा टॉपिक आपके लिए अभी इंपॉर्टेंट नहीं होना चाहिए. हाँ, आप देश के बारे में बात कर रहे हो भाई, जो देश में जो हिंदू भाई आपको, आप जो देख रहे हो उनको वो नहीं मानते. आप क्या करना है आपको? नहीं, क्यों करना है? आप वैसे लोगों को लाकर, अब एडम जो, अरे आप जब आपको मालूम पड़ेगा कि आपके रसूलुल्लाह ने ये बात कही है, आप भी हमारे साथ बोलोगे. डोंट वरी ऑन दैट, यू विल बी विद अस. पहले जाके आप जाके रिसर्च करो. तभी मैंने इसे ऑलरेडी तीन होमवर्क दे दिए, चौथा होमवर्क, लेकिन इसने एंड में फिर कुत्ते की तरह भौंकना है. इसकी औलाद ये डिसेप्टिव लोग हैं. नहीं यार, नहीं, इट्स नॉट अबाउट रिलैक्सिंग. इट्स नॉट अबाउट रिलैक्सिंग. यू नीड टू अंडरस्टैंड, फॉर मी, अनलेस अ पर्सन प्रूव्स हिमसेल्फ टू बी ट्रुथवर्दी, ही इज ए लाइंग डिसेप्टिव, जस्ट लाइक मोहम्मद सेड दैट यू कैन लाई. सो फार ही वाज नथिंग बट अ लायर. बिकॉज जब ये बात दोबारा जो करने लगा था, इसका शुरू में जवाब मैंने से दिया है कि जब तुम्हारे पास रेफरेंस नहीं है तो तुम बाऊ बाऊ नहीं कर सकते हो. बाऊ बाऊ करने के लिए रेफरेंस करना है. तो जेनेरिक प्रिंसिपल जो है इन लोगों का वो यही है कि हमने बाऊ बाऊ करना है विदाउट रेफरेंस. इसको कुरान को नहीं माना, ये कुरान सीधा सीधा जो कह रहा है उसको नहीं माना, उसकी ट्रांसलेशन की अपनी ट्रांसलेशन बना रहा है. तफसीर नहीं देखनी, तफसीर की भी अपनी ट्रांसलेशन बनानी है भाई. हाउ इज दैट पॉसिबल?